तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान कर दिया है। इसके तहत आज देश भर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी जाएगी। हालांकि किसान संगठनों ने आज के रेल रोको आंदोलन के लिए पहले से ही ऐलान कर रखा है, और लेकिन रविवार को रोहतक में किसान नेता गुरमान सिंह चडूनी ने भी कहा कि सभी किसान भाई स्टेशनों के पास जाकर ट्रेन रोकेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनवाने और लखीमपुर खीरी हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन बुलाया जा रहा है। इसको सफल बनाने के लिए सभी जगहों पर किसान आगे आएंगे और आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर नॉर्दर्न रेलवे के इलाकों में इसका खासा असर देखने को साफ मिल सकता है, जहां शुरू से ही किसान आंदोलन के चलते रेल यातायात पर काफी असर देखने को पड़ता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रेलवे ने इसकी तैयारी भी तेज कर दी है। अगर रेलवे सूत्रों की मानी जाए तो रेल संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए आरपीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही जहां जहां किसानों के रेल रोकने की संभावना है या जहां पहले ही किसान बैठे हुए हैं, रेल रोकी गई है, उन जगहों पर एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात कर दी जाएगी और साथ ही यात्रियों को भी अलर्ट कर दिया जाएगा। वहीं मालगाड़ियों के परिचालन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।